जो लोग हर समस्या का हिम्मत और मजबूती से सामना करते हैं ना, वो लोग कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अंदर ही अंदर खोखले और अकेले होने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनकही सी बातें पर। मैं आपको सुना रही हूँ दिव्य प्रकाश दुबे जी द्वारा लिखी कहानी अक्टूबर जंक्शन। 10 अक्टूबर 2016 मुंबई। सुदीप अपनी ही कंपनी से अपने हिस्से के लिए केस लड़ रहा था। अभी मामला नेशनल कंपनी लो ट्रिब्यूनल में पेंडिंग था। उसको समझ तो आ ही गया था कि उसको हटाने में अभिजात और सुनैना का भी बहुत बड़ा हाथ है। उसको अभिजात पर गुस्सा तो खूब आया, लेकिन वह अब इन सब बातों से आगे बढ़ चुका था। पिछले एक साल में उसका बहुत समय लखनऊ में पापा के पास बीता था। पापा से अब उसकी कुछ बात होना शुरू हुई थी। पापा कभी कभार चित्रा से भी फोन पर बात कर लेते थे, हालांकि वह कभी समझ नहीं पाए थे कि ये दोनों साल में बस एक दिन ही बात करते हैं। एक दिन किसी के नाम कर देना उम्र भर नाम कर देने जैसा है। वो एक दिन फैल कर पल, घंटे, दिन, समय, सदियां कुछ भी बन जाता है। सुदीप को चित्रा के साथ बिताया हुआ हर एक 10 अक्टूबर याद था। सुदीप को एक बहुत बड़ी कंपनी ने अपने यहाँ पार्टनरशिप ऑफर की थी, लेकिन सुदीप अब बदल चुका था। वह किसी को कुछ प्रूव नहीं करना चाहता था। नई कंपनी अच्छा कर रही थी, लेकिन सुदीप को अब मजा नहीं आ रहा था। वह बस अपनी पुरानी कंपनी में अपना हक चाहता था। वह यह चाहता था कि बस जितनी मेहनत उसने की थी वो वेस्ट न हुई हो। धीरे धीरे सुदीप के बारे में अखबार में आना लगभग खत्म ही हो चुका था। दुनिया भी तभी तक आपके बारे में चिंता करती है जब तक आप उसको मजा दे रहे हो। सुदीप से मीडिया को मजा आना बंद हो चुका था। मीडिया ने मजे लेने के लिए नए लोग ढूंढ लिए थे। मीडिया में आजकल housing.com के राहुल यादव के चर्चे थे। उसको अक्सर ही इंडियन स्टार्टअप का बैड बॉय कहा जाता था। उधर flipkart.com के सचिन और बिन्नी बंसल, पेटीएम के विजय शेखर शर्मा के नाम से करीब रोज ही अखबार भरे रहते थे। हिंदुस्तान के कॉलेज का हर लड़का अब इंजीनियर या MBA करके नौकरी करने के अलावा भी एक सपना देखता था कि वह अपनी कंपनी डालें और कहीं से करोड़ों रुपए की फंडिंग उठा लें। स्टार्टअप करना अब इस देश में नई नौकरी हो चुकी थी। सुदीप यादव का नाम बड़ा होने के रास्ते में जाने से ठीक पहले एकदम से गुमनामी में चला गया था। इधर चित्रा की जिंदगी में लिखते लिखते ऐसा पहली बार हुआ था कि जिस लेखिका की किताब के लिए वह गोस्ट राइटिंग करती थी, उसने चित्रा के काम से खुश होकर उसने इंडियन बुक हाउस पब्लिशर के मालिक से चित्रा की किताब की बात कर ली थी। पब्लिशर को उसका काम पहले से ही पसंद भी आया था, बस रुचिका बीच में पढ़कर उसको आगे नहीं निकलने दे रही थी। रुचिका का काम था कि वह पब्लिकेशन के लिए नए लेखक ढूंढे, लेकिन वह अपने लालच के चलते नए लेखकों को आगे नहीं आने दे रही थी। इंडियन बुक हाउस के मालिक को जब यह पता चला तो उन्होंने रुचिका को नौकरी से निकाल दिया। उसने चित्रा की लिखी कोई पुरानी किताब तो नहीं ली, पर उसको एक नई किताब लिखने के लिए कुछ एडवांस रॉयल्टी दी। चित्रा को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। अब फाइनली ऐसा लग रहा था कि 2017 में उसकी अपनी किताब आ जाएगी। पिछले साल चित्रा के बिना बताए जाने की वजह से सुदीप थोड़ा सा परेशान हुआ था, लेकिन वह जिंदगी की जिस स्टेज में था वहाँ कुछ भी उसे एक हद से ज़्यादा परेशान नहीं कर पाता था। जिंदगी एक हद तक ही परेशान करती है, उसके बाद वो खुद ही हाथ थाम लेती है। जिंदगी ताश के पत्ते जैसे ही भरोसे का खेल है।
जिनको होता है वो परेशान भले दिखे, अंदर से परेशान होते नहीं। इसलिए खेल में पत्ते अच्छे हो या खराब, जीतने वाले आखिर ब्लाइंड में भी जीत ही जाते हैं। जिंदगी पर ब्लाइंड खेलने जितना भरोसा रखना, ताश के पत्ते पर बाजी लगाने जितना आसान होता नहीं। इसलिए लोग हारने से बहुत पहले ही हार चुके होते हैं। तय यह हुआ था कि इस बार सुदीप चित्रा से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मिलेगा। चित्रा वहाँ पर तिब्बतियन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में बच्चों के लिए एक वर्कशॉप लेने गई थी। वहाँ उसको 9 दिन रहकर बच्चों को कहानियाँ लिखना सिखाना था। चित्रा को इस काम के पैसे भी मिल रहे थे। जिस लेखक के लिए वह घोस्ट राइटिंग करती थी, असल में आना उसे था, लेकिन वह उस समय बाहर घूमने जा रही थी। चित्रा को बच्चे पसंद भी थे, इसलिए जब चित्रा से वर्कशॉप के लिए पूछा गया तो वह तुरंत मान गई। 9 अक्टूबर को उस वर्कशॉप का आखिरी दिन था, लेकिन मौसम बहुत खराब हो जाने की वजह से वर्कशॉप एक दिन के लिए एक्सटेंड कर दी गई थी। चित्रा बहुत दिनों से 10 अक्टूबर का इंतज़ार कर रही थी। सुदीप सुबह आने वाला था, बस दिक्कत यह थी कि चित्रा दिन भर धर्मशाला में भटकने का प्लान था, लेकिन उसको उस दिन क्लास लेनी पड़ रही थी। सुदीप जब वहां पहुंचा तब यह पता चला कि उसको पूरा दिन बच्चों के साथ स्कूल में गुजारना है। सुदीप का चेहरा पिछले एक साल में बहुत बदल चुका था। उसको चश्मा लग गया था, बाल हल्के से सफ़ेद थे, बाल थोड़े से बिखरे हुए। वह भी बच्चों के साथ क्लास में पीछे जाकर बैठ गया। क्लास में करीब 20 बच्चे थे। बच्चों की उम्र 8 साल से 14 साल तक थी। चित्रा के क्लास लेने के तरीके से लग रहा था कि वह यही काम करने के लिए पैदा हुई है। चित्रा से सबकी बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। चित्रा ने क्लास को आखिरी असाइनमेंट दिया कि सब लोग 2 घंटे बिना रुके एक कहानी लिखेंगे। यह असाइनमेंट देने के बाद चित्रा सुदीप के पास आई तो उसने भी कॉपी और पेन मांगा। बच्चों को लिखता देख वह भी अपने बचपन में पहुंच गया था। उसको अपनी आसमान के पार की दुनिया की याद आने लगी थी। उसका भी कुछ लिखने का मन कर गया। हम सबके अंदर एक किताब होती है, वो बात जो चैन से सोने नहीं देती, वो बात जो जागने के बाद ऑफिस के रास्ते में बार बार याद आती है, वो बात जो कॉलेज में बोरिंग लेक्चर के बीच में याद आती है, वो बात जो समंदर के किनारे टहलते हुए सबसे पहले आकर पैर से टकराती है, वो बात जो किसी पहाड़ी रास्ते पर किसी छुट्टी के दिन बार बार पेड़ से झांकती है, वही बात ही तो आपकी कहानी है। वो कहानी जो सबके दरवाजे पर कभी ना कभी खटखटाती ज़रूर है, लेकिन उस आवाज़ पर ध्यान न देने की वजह से एक दिन वो आवाज़ चुप हो जाती है और कहानी पूरे होते हुए भी किताब अधूरी छूट जाती है। 2 घंटे होने से 15 मिनट पहले जब घंटी बजी तब सुदीप को ऐसा लगा जैसे कि वह किसी मेडिटेशन से उठा हो। उसको लगा कि वह लिख क्यों नहीं रहा था। उसके पूरे रास्ते की थकावट जैसे एक झटके में ख़त्म हो गई। चित्रा क्लास ख़त्म करके एक एक बच्चे से गले मिलकर उनको अपनी लिखी हुई कहानी उसे ईमेल करने को बोल रही थी। सुदीप अब भी अपनी लिखी हुई उस दुनिया में था, उस दुनिया में जैसे जादू से सब कुछ ठीक हो गया हो। जाने से पहले सब बच्चों ने चित्रा के साथ एक फ़ोटो खिंचवाने की ज़िद की। यह फ़ोटो सुदीप ने अपने मोबाइल में खींची। इतने में एक छोटी सी बच्ची आगे आई और बोली, अंकल आपके साथ भी फ़ोटो खिंचवानी है। सुदीप ने पहले तो मना किया, लेकिन बच्ची के बार बार ज़िद करने पर वो टाल नहीं पाया। बच्चों ने सुदीप को चित्रा के पास खड़ा कर दिया।
यह इकलौती फोटो थी जिसमें चित्रा और सुदीप साथ थे। दुनिया के किसी कागज पर उनका नाम साथ नहीं था। वे अभी तक गिनकर 20 दिन भी साथ नहीं रहे थे। क्लास से निकलकर चित्रा सुदीप के पास आई। सुदीप अब भी अपनी कहानी में और पहाड़ों में खोया हुआ था। स्कूल से निकलकर उन्होंने धीमे धीमे चलना शुरू किया। तो क्या? सुदीप ने कहा। मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। दोबारा शादी कर रही हो? नहीं। फिर? 2017 में मेरी पहली किताब आ रही है। मुझे रॉयल्टी के पैसे एडवांस मिले हैं। क्या बात है, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। सुदीप ने चित्रा को गले लगा लिया। गले लगे हुए चित्रा ने कहा, फाइनली। सुदीप ने प्यार से चित्रा के सर पर हाथ सहलाकर उसके सारे बाल खराब कर दिए। किताब आते ही बेस्ट सेलर हो जाओगी तब। किताब आते ही बेस्ट सेलर हो जाएगी तुम्हारी। अब कहाँ पहचानोगी तुम द चित्रा पाठक? पहचानोगी कैसे? नहीं, राइटर का कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम भूल जाओगी। कभी फोन भी करूँगा तो बोलोगी, कौन सुदीप? चुप करो, मैं बहुत खुश हूँ। तुम सबसे पहले इंसान हो जिसको ये बता रही हो। एक खुशखबरी मेरे पास भी है वैसे। क्या, सुनैना से शादी कर रहे हो? नहीं, सुनैना और अभिजात शादी कर रहे हैं। लेकिन अभिजात तो तुम्हारा दोस्त था ना? चित्रा ने थोड़ा सा चौंकते हुए पूछा। हाँ, दोस्त था, दोस्त है, चलता है, लाइफ है। तुम जा रहे हो शादी में? नहीं, मुझे नहीं बुलाया है। खैर, तुम खुशखबरी देने वाले थे। हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। खुशखबरी ये है, जो रिटायरमेंट मैं 35 की उम्र में लेने वाला था, वो मैं अभी 32 साल में ही ले रहा हूँ। नई कंपनी को बड़ा कर दिया है, लेकिन अब वही सब कुछ बार बार करने का मन नहीं है। यह कहते हुए सुदीप ने हाथ चित्रा के कंधे पर रख दिया। वे बात करते हुए थोड़ा सा बाहर निकल आए थे। सुदीप रुककर पहाड़ों को, आसमान को अपनी आँख में भरने लगा। यहाँ से थोड़ा आगे मैजिक व्यू कैफे है, बहुत अच्छी चाय मिलती है वहाँ। अच्छा, खैर, तुम सही में रिटायर हो रहे हो? हाँ, बस हो गया मेरा। करोगे क्या? न तुमने शादी की, न बच्चे। पता नहीं क्या करूँगा। तुम्हारे केस का क्या चल रहा है? केस चल रहा है। अगर तुम केस जीत गए तो कितने पैसे मिलेंगे? कंपनी की उस समय की वैल्यू पर है, लेकिन फिर भी गई से गई हालात में 240 करोड़ के ऊपर ही मिलने चाहिए। मैजिक व्यू कैफे आ चुका था। ओल्डेस्ट चाय शॉप सिंस 1984, मैजिक व्यू कैफे के नीचे लिखा था। यह बहुत ही छोटा सा कैफे था। ट्रैक पर आए हुए लोग वहाँ सुस्ता रहे थे। वहाँ पहुँचने वाले किसी भी लड़के या लड़की को कोई जल्दी नहीं थी। न ही ऑर्डर देने वाले को जल्दी थी, न ही ऑर्डर लेने वाले को। इस दुनिया की आधे से ज़्यादा परेशानियों की वजह एक ही है, जल्दबाजी। चित्रा और सुदीप को न दोस्ती की जल्दी थी, न ही प्यार की। यह कहानी अगर केवल दोस्ती की होती तो वे ऐसे बार बार मिलते ही नहीं। अगर यह कहानी प्यार की होती तो यह दुनिया की सबसे बोरिंग कहानी होती। मैं पूरी लाइफ में अगर सारी किताबें भी बेस्ट सेलर लिख दूँ तो भी मैं कभी 240 तो क्या 24 करोड़ भी ना बना पाऊँगी, चित्रा ने चाय का ऑर्डर देते ही कहा। सुदीप अब भी व्यू का मज़ा ले रहा था। चित्रा, अगर मान लो तुम्हें एक भी पैसा न मिले,
तुम्हारी एक भी किताब न बिके तो क्या तुम लिखना छोड़ दोगी? नहीं, मैं फिर भी लिखूंगी। तो बस फिर पैसे का मत सोचो। मैंने अपनी कंपनी इसलिए नहीं बनाई थी कि मैं करोड़पति हो जाऊंगा। चाय आ चुकी थी। चाय की भाप आसमान के बादल को पिघला रही थी। चित्रा खुश थी कि 10 अक्टूबर को वह सुदीप के साथ थी। खैर, ये बताओ क्या करोगे इतने पैसों का? चित्रा ने चाय के ग्लास को दोनों हाथों से पकड़कर घूंट लिया। तुम्हें चाहिए तुम ले लेना, इतना तो है ही कि काम चल जाए। वैसे भी कौन सी मेरी शादी हुई है कि बीवी के सामने नखरे करूं और नखरे झेलूं? इसलिए तो रिटायर हो रहा हूं। सोच तो लो, रिटायरमेंट के बाद करोगे क्या? क्या पता अपनी बचपन की कहानियां पूरी करूं। धर्मशाला से चलने से पहले सुदीप ने चित्रा को मुराकामी की किताब दी। लिख दो डेट, अगले साल तक तुम बड़ी राइटर हो जाओगी, फिर कहाँ टाइम मिलेगा। चित्रा ने किताब लेकर उस पर 10 अक्टूबर 17 की तारीख डाली और कहा, अगले साल मैं अपनी किताब पर डेट लिखूंगी। किताब पर डेट लिखते हुए चित्रा की नज़र बुकमार्क पर गई। जिस पेज पर बुकमार्क लगा था उसमें एक लाइन अंडरलाइन थी, बट वन थिंग इज सर्टन, वेन यू कम आउट ऑफ द स्टॉर्म यू वॉन्ट बी द सेम पर्सन हु वॉक्ड इन। दैट्स वॉट दिस स्टॉर्म्स ऑल अबाउट। इस एक साल में बहुत सारा पानी और थोड़ी बहुत दुनिया बह गई थी। दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी का अगला हिस्सा आपको आसानी से मिल सके इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द कहानी के अगले हिस्से में। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें।